पे समर ब्रेक किस बात का, जो है वो बाहर बर्फ पड़ी है, आप बोल रहे हो समर ब्रेक कहते हैं डिस्कार्ड कर दो, बेकार है ऑमलेट यार। आप लोग और कुछ भी दिखा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। वॉलमार्ट वालों ने इसके अंदर आई थिंक कोई चरस वरस तो नहीं मिला। हम क्यों आते भाई बाबा एनिमल्स? गन्ने का जूस सही नस्ल का गन्ना है। एक ही गन्ने यहाँ पैदा होते हैं या पाकिस्तान इंडिया से आते हैं? मॉर्निंग गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह हो गई है, आज मंडे है और मंडे की सुबह स्पेशल चीज़ ये है कि इस वक्त बच्चे सो रहे हैं, सो नहीं रहे एक्चुअली, जा गए, मजाक कर रही हूँ, मगर स्कूल नहीं गए बिकॉज स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, मार्च ब्रेक चल रहा है। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, लाइक्स टारगेट आज का अगेन 500 लाइक्स इम्पॉर्टेंट है, एंड शेयर करें वीडियो को। बाकी बच्चों साहब उठ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दो बातें हैं, वो एक बात ये कि पहले तो जो है वो दिन लंबे हो गए, काफी लोग जो है वो परेशान भी हैं क्योंकि रमजान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब दो हफ्ते में ही रमजान आने वाले हैं और एक घंटा आगे हो गया है। दुनिया में एक घंटा पीछे होता तो चलो वही मजे की बात भी होती, बट ये है कि चलो कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज। जितना लंबा रोजा और उतना ही ज्यादा सवाब तो इंजॉय करेंगे। वैसे भी यार यहाँ के रमजान तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, प्यास तो लगेगी नहीं आपको, बर्फ बाहर पड़ी हुई है, टेंशन होगी नहीं। हाँ और क्या, रोजे में इफ्तार में मेरे कहने का मतलब था इफ्तार। और दूसरी बात ये कि वैसे मुझे लंबा दिन ज्यादा पसंद है जी, आपको पसंद है लंबा दिन? मुझे भी लंबा दिन ज्यादा पसंद है क्योंकि आप देर तक जो है वो सूरज को देख सकते हैं। वैसे तो सूरज यहाँ पे शादो नादर ही निकलता है, बहुत कम निकलता है, तो थोड़ा बहुत रोशनी आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं जैसे सना ने बताया, तो वो समर ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है। अबे समर ब्रेक किस बात का, जो है वो बाहर बर्फ पड़ी है, आप बोल रहे हो समर ब्रेक, मतलब बोल बोल के ईमेल स्कूल वाले भी गुस्सा दिलाते हैं। समर ब्रेक नहीं है वो मार्च ब्रेक है बच्चों, मार्च ब्रेक। ओ अच्छा, हाँ। क्योंकि वो काफी जगहों पे जब गए तो वही लिखा हुआ है समर ब्रेक। आई थिंक मार्च ब्रेक है बेसिकली, एक हफ्ते की छुट्टी है बच्चों की, तो मंडे से लेके और फ्राइडे तक ब्रेक रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और बाकी सैटरडे संडे तो बच्चों की छुट्टी होती है। फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, क्या खाएंगे नाश्ते में? नाश्ते में यार आज मैं ऑमलेट खाऊंगा क्योंकि दो दिन हुए मैं अंडे ही खा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से अश्वर नाश्ता बना रहे थे क्योंकि आपको पता है कि हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं जिंदगी में माशाल्लाह से, जो है वो बस टाइमिंग ऐसी चल रही है, तो हम दोनों साथ मिलके चीजें अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तो नाश्ता वाश्ता बनाएंगे साथ मिलकर, उसके बाद खाते हैं। ऑमलेट देखो बनने की तैयारी शुरू हो गई, यहाँ पे ऑमलेट बना रही है, ये चाय भी बन रही है, मैंने भी जो है वो बनाया है क्या, कबाब और पराठा। अयान साहब यहाँ पे जो है वो अपना कबाब पराठा खा रहे हैं, ये इनका कबाब है और ये इनका पराठा है। क्यों भाई अयान साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाना, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपने ब्रश कर लिया? That's good. ये देखो हमारे ऑमलेट बन रहा है और हमारे ना दो सीन होते हैं, ठीक है। अब अशर को व्हाइट प्याज वाला ऑमलेट पसंद है, जब भी लाल वाली नहीं होनी चाहिए, स्मेल बहुत आती है मुझे। लाल वाली प्याज डालती हूँ ना, अशर कहते हैं डिस्कार्ड कर दो, बेकार है ऑमलेट, मजाक कर रही हूँ, खा लेते हैं मगर बेदिली से खाते हैं बेचारे। तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि फिलहाल तो व्हाइट प्याज डाल रही हूँ इस ऑमलेट में और फिर बाकी अपने वाले में फिर रेड डालूंगी, मुझे रेड पसंद है। अगर आपके यहाँ डिफरेंस ऐसा होता है तो जरूर बताना। सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हो? हाथ मिलाओ। शाबाश, उठ गए? उमर है ना खेलना है? वालेकुम सलाम। बच्चों का देखो यही रूटीन रहता है छुट्टियों में, भाई मजे हैं, एंजॉय करो यही हमारे तुम लोग। Hours later. Guys, कुछ वीडियोस पहले ना हम लोगों को, मतलब दो सारे वीडियोस पहले एक कमेंट आया हुआ था, तो उनका नाम है ईमान रुमैन, तो उन्होंने बोला था भाई शाउट आउट दे दे, ईमान बेटी है आई थिंक, रुमैन उनके अब्बा हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो भाई हेलो हाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगता है देख के आप लोग सब अटैच रहते हैं हमारी डेली लाइफ से, तो थैंक यू सो मच, जैसे ही देखते रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। 15 मिनट्स लेटर गाइस, तो मैं कर रही हूँ स्ट्रेटनिंग, आप लोग देख सकते हैं कहीं जाने की तैयारी हो रही है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। हस्बैंड भी आ गए हैं यार रेडी होने के लिए, यार शेयर होके गाइस निकल गए हैं, बर्फ अभी तक यहाँ पे पड़ी हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई है, चलो भाई स्लरी हो रही है। वाह, मैं भी तैयार हो रही हूँ एकदम जबरदस्त, थोड़ा सा ग्लो ग्लो हो रहा होगा। व्हाट्स हैपनिंग सैफी, बबल्स भी लेके जा रहे हो आप? इधर तो देखो, इधर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? व्यूअर से पूछ लो कैसे हो आप लोग, कैसे हो वो? ठीक हो? चलो बैठ जाते, फटाफट फ्लरी पड़ रही है बड़ी अच्छी वाली। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, फिलहाल सोचा नहीं जा रहे, बस जा रहे हैं सीधे सीधे। असल में सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला भी था कि यार आप लोग और कुछ नहीं दिखा रहे, कहीं बाहर नहीं जा रहे, ये वो, तो बाहर जाने का सीन ये है कि अब एक्टिविटी बहुत कम हो गई है फॉर दी ऑब्वियस रीजन, आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकती, तो हम लोग बस घर में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए ब्लॉग्स भी उसी तरीके के आते रहते हैं, मगर
आज हमने कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, काफी टाइम हो गया, शायद मॉल जाएंगे और उसके बाद देखते हैं। अगर कुछ दिन चाह, अगर हस्बैंड ने कोशिश की बाहर खिलाने की तो शायद बाहर भी खाए, शायद खिलाने की नहीं बाहर आपका नाच देखते हैं। ये देखो मस्त सा मौसम, क्या कपकेक्स? लेट्स गो एंड गेट सम कपकेक्स। हाँ तो वॉलमार्ट का नाम देखती है पीछे, इसको फौरन कपकेक की शक्ल याद आ जाती है छोटे बच्चे को। टोर है ये इसका। वॉलमार्ट वालों ने इसके अंदर आई थिंक कोई चरस वरस तो नहीं मिला जो चाइल्ड के लिए सेफ हो, एडिक्शन वाली। हाँ, एडिक्शन हाँ। कोई चीज है इसके अंदर कि बस वॉलमार्ट का नाम देखा और डोरिटोस वगैरह के अंदर होती है ना ऐसी चीजें, मतलब आप खाते नहीं, आप एक चिप, एक आपने बस मुंह में चिप्स का रखना है और उसके बाद फिर पूरा पैकेट आप खत्म कर जाएंगे। पूछे थे कि तो हम बार बार एरन मिल्स क्यों आते हैं? हम लोग बार बार एरन मिल्स जाते क्यों? हम क्यों आते भाई बार बार एरन मिल्स? बार बार एरन मिल्स इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो मल्टी कल्चरल बहुत ज्यादा है, मतलब और ये हमें तरह से सिडनी की भी याद दिलाता है क्योंकि यहाँ पे काफी मतलब अरबी भी होते हैं, लेबनीज भी होते हैं और भी दूसरे होते हैं जो मतलब आंखों को देख के ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल से हम लोग को ऐसे ही लोगों को देखने की आदत है। तो बहुत अच्छा इलाका है, साफ सुथरा इलाका है और बहुत अच्छे लोग होते हैं यहाँ पे। कम्फर्टेबल लगता है काफी यहाँ पे आके, कम्फर्ट फील होता है बहुत, है ना? लगता है कि अपनी अपनी सी वाइब आती है। तो जो सबसे क्लोजेस्ट मॉल है वो यही है और जो इसका दूसरा है वो मिसिसागा में स्क्वायर वन है, तो वो दूर है और फिर वहाँ पे चलना फिरना बहुत ज्यादा पड़ता है, सना के लिए इतना फिजिबल नहीं है। एक्चुअली मेरा दिल चाह रहा था स्क्वायर वन जाने का, फिर अशर ने बोला कि यार स्क्वायर वन जाओगी तो इतना टहलना होगा, कहीं पहुंचते अच्छा है मॉल बहुत अच्छा है, बीच में जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अच्छा मॉल है वैसे लोगों के लिए, नॉर्मल हम भी बहुत गए वहां पे, लेकिन अभी फिलहाल अगर बहुत बड़ा मॉल है, लंबा मॉल है, मतलब उसमें टहलना एक बड़ा काम है। भाई अगर ख्याल करने वाला हस्बैंड मिल जाए तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना, नहीं तो फिर हस्बैंड कहते हैं भाई क्या तुम तो पड़ गई बिस्तर पे और ये वो कहानियां, मगर ये ख्याल करते। नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है अल्लाह ना करे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, रिलेटेड मत हो बीवी के साथ और कोऑपरेट करें। हां कोऑपरेट करें, सही बात। बट अयान के कहने का मकसद ये था कि उसको कोई मकसद चाहिए यहाँ पे आने के लिए, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ शॉपिंग करानी है। अयान कह रहा था उसको शॉपिंग करनी है, कोई कह रहे मैं तो बस खाने के लिए आता हूं, खाने के लिए आता है ये। ये देखो सना के लिए क्या ले रही हो यार? हम लोग अभी ले रहे हैं गन्ने का जूस। गन्ने का जूस हो गया पे, क्या क्या लिया? अभी आएगी तो बताते। डेट पड़े कब की है? आ जाओ डबल रोटी भी उठा लेते हैं, ये वाली अच्छी होती है। सुसना और अयान को मैं इस वक्त वहाँ पे जूस की शॉप पे छोड़ के आया हूँ, है ना, और मैं और सैफ इस वक्त आ गए क्योंकि जो है वो अगर वो लोग आ जाते यहाँ पे वॉलमार्ट में तो ये डबल रोटी और इसके अलावा जो है वो हजारों चीजें बोलती है सना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर में वो खत्म हो रहा है, यार बोलता मुझे ये दिलवा दे, मुझे वो दिलवा दे। सैफ तो बच्चा है बेचारा, कुछ भी नहीं बोलता। अब चेकआउट करते हैं और निकलते हैं, देखते हैं उनका जूस तैयार हुआ या नहीं। गाइस मजेदार सा शुगर केन यानी कि गन्ने का जूस मिल गया है, पता है कितने का? $6.5 का स्मॉल, आई थिंक 7.5 का मीडियम होगा और फिर वो $1 बढ़ा दो साइज के लिहाज से। अब पी के देखूंगी, अभी अशर आते हैं साथ में पीते हैं। अयान तुम्हारी स्ट्रॉबेरी स्लशी कैसी है? अमेजिंग, अच्छी है, मूड अच्छा हो गया तुम्हारा, थोड़ा ठंडे हो गए तुम। अयान थोड़ा सा गर्म हो रहा था घर के अंदर बैठ बैठ के बेचारा। शुगर केन ड्रिंक ट्राई कर रहे हैं अयान साहब फर्स्ट टाइम, कैसा है गन्ने का जूस? मीठा है ना? अजीब टेस्ट कर रहा है। नहीं अजीब नहीं है, अच्छा होगा, सही नस्ल का गन्ना ही है। इसका पता नहीं है कि गन्ने यहाँ पैदा होते हैं या पाकिस्तान इंडिया से आते हैं क्योंकि वहाँ तो ₹50 का मिल जाता है, आई थिंक ₹100 का गन्ने का जूस 1250 रुपए का 1200 नहीं तेरा आपको टैक्स भी तो डाला ना, तो $60 मतलब ₹1400 का, ₹1500 का गन्ने का जूस पी रहे भाई हम यहाँ पे कनाडा में, अच्छा है, मजे का है। गाइस ये भी बहुत औसम ड्रिंक है, बड़ी मजे की है यार। ये देखो इस इंसान की हरकत है, इन्होंने मुझे डबल रोटी ला दी और बोल दिया कि बस अब ये डबल रोटी तुम खाओगी डिनर में, स्ट्रॉबेरी शेक के साथ जो है ना डबल रोटी खाओ, सो जाओ और बस सो जाओ, बस खाना वाना खा लो, ये कंजूसी की हद है। कितने अच्छे डायमंड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, उफ क्या ज्वेलरी है यार, ये वाली ज्वेलरी चाहिए मुझे इस तरह की, ये जो है ना लाइट पेंडेंट, ये ज्वेलरी आपके ऊपर ड्यू है, ये ज्वेलरी दिलानी है आपने मुझे,
तो मैंने हेयर कट पे ओनली $33 का लिखा हुआ है, पिछली भी दुकान पे गए थे वहाँ $30 की। अभी अशर का दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कटवाएंगे बाल, लेकिन अभी यहाँ से नहीं, मॉल से नहीं, बट बहुत महंगी कट रहे हैं, देखना पड़ेगा सस्ती जगह से कटवाऊंगा। तो गाइस इस दुकान पे इतने प्यारी प्यारी शॉलें लगी हुई हैं, बाकायदा शलवार कमीज वगैरह। जाना माल देखो कितनी प्यारी लग रही है, जाना माल दिस ब्लैक शॉल ये देखे ऊपर से कितनी प्यारी लग रही है, व्हाइट कुर्ते पे वाकई अच्छी लग रही है। हम लोग आए हैं चिल्ड्रंस प्लेस पे, देखते हैं कुछ कपड़े शपड़े 75% ऑफ लिखा हुआ है, तो चलो देखते हैं क्या पता कुछ काम की चीज मिल जाए। क्योंकि साइज की अच्छी ग्राफिक शर्ट्स लगी हुई है सारी, ये सारी की सारी वैरायटी लगी हुई है $8 की। ये तो न्यू बॉर्न का नहीं है, बट इसमें की चीज लगी है लड़के का, लड़की का ये तो रखा है गर्ल्स का, ऑब्वियसली पिंक कलर का है। 17-18 के है, $28 पे 30% ऑफ है। ओके कितना क्यूट है, देखो ये वाला कैसा लग रहा है, चल रहा है, ये आई थिंक $28 का ही है, तो 30% ऑफ। 2000 years later. Guess what guys, हम लोग मेन्यू डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खा ले बच्चे और हम लोग कुछ ऐसा ही ना जो सबको पसंद आए। तो हम लोगों को आधा घंटा हो गया टहलते टहलते, इधर से उधर उधर से इधर, देख रहे हैं कि यार कहाँ से क्या मिल रहा है। बच्चों की चॉइस डिफरेंट होती है, आपको पता है ना कि उनका फिर वो एक अपना अलग हिसाब किताब होता है। तो अब डिसाइड हो गया फाइनल। ये देखो ये हलाल है, हलाल रेस्टोरेंट है भाई, देखो लिखा हुआ भी है सामने। Can I get this one? कॉम्बिनेशन तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े रीजनेबल भी है, देखते हैं खाने में कैसा है। हमें कितना मजे का चाइनीज मिला, हलाल हलाल चाइनीज खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सैफी चिकन चावल खाता है, अलग अलग चीजें इसमें, बीफ भी है, चिकन भी है और ये फिश पकौड़े भी है। कॉम्बिनेशन लग रहा है ना भी, अच्छा लग रहा है। पता है क्या, इतना महंगा भी नहीं है, मतलब $14 का एक मैंने लिया और एक लिया है $16 का। चाइनीज खाने का मन था, चाइनीज खा लिया। तो दोस्तों टेस्टी टेस्टी खाना खा के हम तो हो गए हैं एकदम टुन, बहुत मजा आया खा के। और अब हम लोग बस घर जा रहे हैं। इंजॉय किया होगा व्लॉग तो लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग।